एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था 2004 में एंड सरवर साहब बचपन पे इनकी ना टांग टूट गई थी. उन्होंने जब उसको ज्वाइन किया तो मेरे ख्याल ठीक से नहीं हुई. फिर मेरे अबू आ गए, फिर उसको उनको फैसलाबाद लेके गए, फिर दोबारा उनको तोड़ा. और उन दिनों में कोई दवाई वगैरह नहीं होती थी तो उन्होंने दो मेरे ख्याल लक्कड़ के प्लैंक्स लेके तो उसके साथ टांग को बांधा. तो 6 माह ये काफ़ी तकलीफ में रहे. तो तब से इन्होंने कहा था भी जब अल्लाह ताला मुझे मौका देगा तो उस वक़्त मैं इस जगह पे एक हॉस्पिटल बनाऊंगा. यूं ही अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया था, हमने हॉस्पिटल बना लिया. दैट वॉज इन 2004. पहले हमने जब खोला था वी स्टार्टेड इन द यूके और उस वक़्त हमने सरवर साहब का नाम इसलिए नहीं लिखा था बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप इट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया था तो जो पहला विंग था हॉस्पिटल का वो मेरे अबू के नाम का बनाया था. फिर मेरे अबू फौत हो गए थे, गुलाम मोहम्मद. हमने ये सोचा था भी अगर हम उनके नाम बनाएंगे तो सब रिश्तेदारों को ये होगा भी ये हमारा हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल बन गया. फिर हमने यूके फाउंडेशन जब हमने शुरू किया फिर उसके बाद हमने एक चैरिटी दुकान भी बना ली यूके में. तो हम लोग, हमारा गाज़ा में भी काम होता है, बोस्निया में भी होता है. कैंसर रिसर्च के लिए भी हम करते हैं, जो हम फंड रेज करते हैं वो जो भी हमें मौका मिलता है. अभी हमने गाज़ा के लिए ज़रूरत हो फंड रेजिंग कर लेते हैं. तो 90% ये जो चैरिटी है रन बाय द फैमिली एंड 10% डोनर्स हैं. तो फिर हमने एक सेकंड हॉस्पिटल बनाया, राय नवाज हॉस्पिटल जो चीचा वतनी में है. उन्होंने अपने भाई के नाम का बनाया था, उनसे नहीं चल रहा था. तो उन्होंने हमें कहा भी आप लोग अडोप्ट कर लें, सो वी अडोप्टेड इट. तो वहाँ हमने काम शुरू कर लिया. फिर उसके बाद हमने एक स्कूल बनाया, पीरमल स्कूल. फिर मेरी अम्मी फौत हो गए 14 ईयर्स अगो. अम्मी के नाम की मैंने एक मस्जिद शुरू की तो मस्जिद भी बन गई स्कूल हॉस्पिटल के साथ ही रोजाना. किसी को भी मैं अगर पाकिस्तान फाउंडेशन के बारे में कहती थी तो वो ना हमेशा उनको पता ही नहीं होता था भी यू नो व्हाट चैरिटी इज दिस एंड हु इज रनिंग इट. देन आई रजिस्टर्ड इट एज सरवर फाउंडेशन. उसके बाद फिर जो हमारा सरवर फाउंडेशन था उसी के तहत आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. I donated sewing machines to all the widows and all the orphans in 25 villages surrounding the area of Tubatexan. Then I started opening sewing centers under the name of Hunarga. So I'm happy to say mere paas 125 sewing centers are that they're up and running and they're all doing really well. 125 in all of Punjab. I have them in Shahdara, I've got them in Kent, Rasulpura, Pirmal, Tubatexan, Faisalabad. I've got them all over Punjab. सरवर की अम्मी के प्लान्स थे इनकी शादी किधर करनी है, मेरी अम्मी के प्लान्स थे भी मेरी शादी किधर करनी है. तो हम लोग आ गए और सरवर साहब हमें एयरपोर्ट लेने आए थे. मुझे अभी भी याद है इन्होंने आर्मी ग्रीन कलर का कुर्ता शलवार पहना था, बालों को अच्छा खासा तेल लगवा के तो बाल सेट करके आए थे जो पूरे की तरह. उसके बाद बस बड़ों ने भी फैसला किया भी शादी हमारी दोनों की हो जाए. और सरवर साहब भी कहते हैं जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी हूँ 10 मिनट के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था भी मेरे से ही शादी करनी. ये फैसलाबाद में पढ़ते थे, हम रहते थे सिंहपुर. हर 2 हफ्ते के बाद ये आते थे. जब हम आ गए तो ये हर हफ्ते आने लग गए. तो पहले हमारे घर आके तो फिर अपने घर जाते थे. तो इन्होंने पहले इंग्लिश में मेरे साथ बात की, बड़ी प्रैक्टिस करके आए ना भी मैंने इनसे ना इंग्लिश में बात करनी है. और बात यही थी भी मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, आपको कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं, शैम्पू वगैरह तो नहीं चाहिए. तो मैंने आगे से 2 लफ्ज़ों में कह दिया नो आई डोंट नीड इट, आई ऑलरेडी ब्रॉट माइन. तो फिर अंदर चली गई. शादी जिस दिन हमारी शादी हुई है तो नॉर्मली बरात टाइम पे आती है और मुझे पता पाकिस्तान में आदत है लेट बरात का, पर सरवर साहब की बरात आनी थी 4 बजे, 12 बजे गई, आई 4 बजे. किसी ने चीनी डाल दी इनके बस के अंदर शरारत की तौर पर, जो बस जाना था बरातियों का. तो वो जो बस था वो अबरडीन जाके ख़राब हो गया. ये भी शुक्र उसको आग नहीं लगी. शादी होगी हम गवर्नर जो काउंसिल हाउस था उसमें हम चले गए. उसके अगले दिन इन्होंने मुझे कहा भी सुबह मैंने 11 बजे दुकान में पहुंचना है. जब ये चले गए तो फिर मैंने अपनी नंद को अरुणा को मैंने कहा भी आपको पता है भी वो दुकान किधर है, तो कहती जी मुझे पता है. तो मैंने बस पकड़ा, बस पकड़ के मैं उसी दुकान पर चली गई हूँ. तो उस दिन के बाद हम दोनों सुबह जाते थे दुकान पर. तो मैंने बिजनेस भी इनके साथ ही की है, स्मॉल कॉर्नर बिजनेस से हमने शुरू किया.
उसके बाद फिर मैंने बिजनेस छोड़ दिया, क्योंकि फिर मेरी अम्मी कहती, उस वक्त मेरे पास बेटी भी थी, 10 माह के बाद वी हैड अ डॉटर, तो मेरे जब 4 बच्चे हो गए थे, तीसरे वाला जो मेरा बच्चा हुआ था आसम, उसके बाद सामने एक स्कूल था, तो मैं हेडमास्टर को मिलने गई। तो मैंने हेडमास्टर को कहा भी हमारी जो मुस्लिम औरतें उनके लिए कोई भी जगह नहीं है जिधर हम इकट्ठी हो जाएं, ताकि हम एक कल्चर को प्रमोट करें, एक दूसरे को हम जानने लग जाएं। सो आई बिकेम अ मेंबर। तो वो मैं उसी पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मेंबर रही फ्रॉम माय फर्स्ट चाइल्ड गोइंग टू स्कूल एंड माय लास्ट चाइल्ड लीविंग द स्कूल फॉर 22 ईयर्स। फिर उसके बाद सरवर साहब डिसाइडेड टू गो इनटू पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में चले गए। जब ये पॉलिटिक्स में गया तो उस वक्त भी मेरे पास कोई मेड नहीं थी, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं था, कोई कुक नहीं था, मेरा ही था, अभी बच्चों को मैं ही छोड़ के आती थी स्कूल, मैं ही उनको लेके आती थी, होमवर्क कराना जो भी था। मेरी, जैसे मैंने बताया, मेरी आदत थी अब्बू के साथ उनके कपड़े हर रोज़ मैं ही रात को निकाल के रखती थी, शादी के बाद इनके कपड़े निकाल के भी इसके साथ जाता है जिसके साथ अच्छा लगता है वो ही करना, और इनका ये था वो जो मैं निकाल के दे देती थी पहन लेते थे खुश होकर, ये इसी बात पे खुश होते थे भी मैं ही निकाल के देती। उसके बाद अगर मैंने कभी कुछ बनाया इनके लिए तो मुझे हमेशा फिक्र होता था भी पता नहीं खाना अच्छा ये नहीं अच्छा, अगर मैंने इनसे कभी पूछा था ये आगे से कहते थे बहुत अच्छा, कभी इन्होंने आज तक नहीं कहा आज खाना अच्छा नहीं है। दरमियान हो जाए तो हमारा झगड़ा हो जाए, जब किसी बात पे नाराज़ हो जाए, इनकी तरफ देख के अगर मैं एक दफ़ा स्माइल कर दूँ तो ये राज़ी हो जाता है ये ठीक हो गई है। सो आई टेक लॉन्गर, मैं मुझे ज़्यादा टाइम लगता है टू फॉरगिव। जो इनकी हैबिट सबसे पहले जो बुरी लगती थी, कपड़े उतार के वहाँ इन्होंने ज़मीन पर फेंक देते थे। हाँ, और अगर गीला तौलिया जिधर इनको मैंने कहना भी इधर नहीं रखना वहाँ रखना है, बस इन दीज आर फ्यू माइनर हैबिट्स। और दूसरा ये है, जब ये बाहर से आते हैं अगर इनका जूता गंदा है तो इनको मैंने हर दफ़ा कहती हूँ प्लीज़ आप अपना जूता वहाँ उतारा करें, कारपेट के ऊपर ना उतारा करें, फिर भी आके अभी तक ये कारपेट के ऊपर उतारते हो, मैं कहती नहीं मैं उठा के पीछे कर देती हूँ, माइनर थिंग्स। सरवर साहब का जब ये पॉलिटिक्स में चले गए, यहाँ से कोई भी जाता था चाहे वो नवाज शरीफ की फैमिली से तलक होते थे वो भी इनसे मिलते थे, ऑब्वियसली बीइंग द फर्स्ट ब्रिटिश एमपी वहाँ उनको जाना मिलना बाकी लोगों को मिलाना, इवन जब बेनज़ीर भी गई है वो 3 दिन हमारे घर में रही है और सरवर साहब ने उनको बड़ा कहा भी है अभी देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन पाकिस्तान आप सोच समझ के जाना, but she said that she didn't care about her life and she wanted to come back to her people. दोनों बिजनेस में आतिफ और आसम, और जो छोटा मेरा बेटा ही इन पॉलिटिक्स, माय डॉटर इज मैरिड, हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर, शी स्टडीड सोशल साइंसेस and she worked for a little while with special people jinko na thoda sa depression type hote hai like a psychological person that's a study she did, so they're all settled. main to ye television band kar deti, मैं तो रात को बैठ के रिसर्च करती हूँ जिसके ऊपर मुझे पता चले भी कश्मीर में क्या हो रहा है, मुझे पता चले पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे पता चले ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, मैं क्यों बैठ के यहाँ देखूँ भी वो उसके बारे में क्या कह रहा तो वो उसके बारे में क्या रहा है, आई वॉन्ट टू हीयर वॉट इज़ हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू हीयर वॉट इज़ हैपनिंग टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाउ वी कैन हेल्प दम, हाउ वी कैन प्रमोट देयर प्लाइट, हाउ वी कैन प्रमोट दैम फॉर देयर Applied for right to determination ताकि उनकी हम मीडिया पे ले आएँ, अगर मेरा ट्विटर देख लो तो मैं उनको ही ट्वीट करती हूँ जो हमारे एट्रोसिटीज होती है पालस्टाइन के खिलाफ हो जाएँ कश्मीर के खिलाफ हो जाएँ, वी नीड टू टॉक अबाउट मोर ऑफ दीज।